हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान व्यंजन में। जी दोस्तों, आज हम बनाने वाले पंजाब की फेमस मसूर मक्के की रोटी और सरसों का साग। वो बहुत ही पारंपरिक तरीके से आपको बना के दिखाएंगे, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जैसे मेरे जमाने में बनता था वही तरीका आपको बना के दिखाएंगे। बहुत ही ईजी तरीका बनाने का, बहुत ही मस्त लगता टेस्ट में, बहुत ही जबरदस्त लगेगा। तो आप भी ये जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही आराम से बना सकते हैं आप। और वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करें। देखिए, आज हम स्पेशल पंजाबी स्टाइल में सरसों और बथुए की सब्जी बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल बनाएंगे। आप खाते ही अंगुलियां चाटते रह जाओगे। तो सबसे पहले मैंने 6 कटा जितना सरसों लिया था और ये 3 कटा बथुआ लिया था, मैंने बारीक चॉप कर दिया है और उसको पानी में डाल दिया है धोने के लिए। इसको कम से कम आप 3 से 4 बार पानी में धोइए, क्योंकि इसमें बहुत ही मट्टी आती है, तो साफ पानी में धो दीजिएगा। वैसे तो सरसों सर्दी में खाना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा रहता है टेस्ट में भी और हेल्थ के लिए भी, और ये बथुआ भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 पानी से धो दिया अभी और 2 पानी से और धोऊंगा मैं। देखिए, सरसों और बथुए को मैंने कम से कम 4 पानी में धो, सरसों और बथुए को कुकर में डाल देंगे। मैंने सरसों और बथुए को कुकर में शिफ्ट कर दिया है। अभी 2 से 3 मिनट हरी मिर्च काट के डाल देंगे। वो मैंने 3 हरी मिर्च डाल दिए हैं और ये 5 से 6 पीस मैंने लहसुन की कली कूट दी थी, वो भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। इसमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हरी सब्जी में पहले ही पानी बहुत सारा होता है। और 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया ताकि वो सब्जी अच्छे से बॉइल्ड हो जाए कुकर में। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पे 1 सीटी आने तक भी बॉइल करेंगे। अब मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिए हैं, उसमें 1 कप जितना मक्के का आटा ले लेंगे। उसको छान देंगे, छानने से अपना एकदम हल्का हो जाता है आटा और जो भी लम्स रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। और 1/2 कप और मैंने मक्के का आटा ले लिया है, उसको भी इसी तरह छान देंगे। और 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, क्योंकि मक्के का आटा का रोटी टूटता ज़्यादा है, कोने कोने किनारे किनारे से अच्छा बाइंडिंग हो, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मक्के का आटा गूंथने के लिए हमेशा गर्म पानी का यूज करिए कीजिएगा, नहीं तो मक्के की रोटी बनेगी नहीं। गर्म पानी से अच्छा रोटी बनके सॉफ्ट बनके तैयार होती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से आटे की मालिश कर दी है 5 मिनट तक। अभी इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे, आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब जितना ज़्यादा मालिश करोगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर और भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, आप थोड़ा तेल लगा के सॉफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर इसको थोड़ा तेल लगा दिया है और उसको 10 से 15 मिनट तक आराम करने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, 15 से 20 मिनट हो गए हैं आटा रखे हुए, आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसको एक बार फिर से हल्की मालिश कर देंगे, सॉफ्ट गूंथा है मैंने, आप भी इसी तरह से गूंथिएगा। अभी इसको एक लोई तोड़ देंगे इस तरह से, रोटी आटे की इसी तरह लोई बना देंगे हम। एक सरपेट ले लेंगे और थोड़ा आटा लगा कर लोई के ऊपर बेलेंगे हम हल्के हाथ से, नहीं तो रोटी फट सकती है। देखिए, मैंने रोटी बेल दी है और तवे के ऊपर डाल देंगे हम। देखिए, रोटी मैंने तवे के ऊपर रख दी है, गैस को स्लो रखिए, रोटी को धीमी आंच पे सेकेंगे। देखिए, एक साइड रोटी सिक के रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा घी डालेंगे, घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रोटी का। देखिए, इसके दूसरे साइड में भी थोड़ा घी लगा देंगे। देखिए दोस्तों, एक साइड रोटी सिक के रेडी हो चुकी है, दूसरे साइड सिकने के बाद वेट करेंगे। देखिए दोस्तों, रोटी रेडी हो चुकी है सिक्के, अभी उसको एक बर्तन में डाल दें। देखिए दोस्तों, मैंने 2 सीटी आए जब तक ये सरसों और बथुआ को
बॉईल किया हूँ। अब दो सीटी के बाद उसको मैं जब तक ठंडा नहीं हुआ जब तक उसको ऐसे छोड़ दिया था। अभी ठंडा होने के बाद एक बार ओपन करते हैं कुकर को। देखिए देखिए ये थोड़ा थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको ये मैच से उसको मैच करेंगे। मैच करने से वो पूरा मिक्स होना चाहिए। ये सब्जी पूरा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए तभी खाने में मज़ा आएगा। सरसों और बथुए की सब्जी को उसको तेज गैस पे और थोड़ा पकाएंगे। मैंने कम से कम 10 मिनट तक और पकाया है। अभी तक पूरा सब्जी अपना सॉफ्ट नहीं हुआ। इसमें थोड़ा गर्म पानी डालिएगा। थोड़ा गर्म पानी डालकर और 5 मिनट तक ढक्कन लगा के रख देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना दोस्तों क्योंकि सब्जी जल्दी पकेगी नहीं। जल्दी सब्जी पकेगी ना जल्दी खा नहीं पाओगे आप। उसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। पहला तड़का बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। उसमें ऑयल डालेंगे। अभी देखिए 2 बड़ा चम्मच इतना मैंने ऑयल ले लिया है। अब उसको थोड़ा गर्म करेंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, जीरे का तड़का। थोड़ा हींग भी डालेंगे। इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को काट के कूट दिया था। ये बहुत ही अच्छे से उसको पकाना है। वो अच्छे से पकाना है नहीं तो अदरक लहसुन अपना कच्चा रह जाता। सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसमें प्याज डालेंगे। मैंने एक प्याज बड़ा प्याज काट के छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया था। डाल देंगे इसमें। अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जो सरसों की सब्जी है बहुत ही अच्छी लगती खाने में और पंजाबी स्टाइल में बनाए तो और ज़्यादा मस्त लगती हैं मक्के की रोटी के साथ। देखिए दोस्तों प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें टमाटर मिलाएंगे। टमाटर भी डालना जरूरी है दोस्तों ताकि सब्जी में थोड़ा खट्टापन होना ज़रूरी है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसको भी। वो टमाटर डालेंगे तो नमक भी डालना ज़रूरी है। अच्छे से पकाएंगे। और इस सरसों की सब्जी में ना ही हल्दी की ज़रूरत पड़ता है ना ही मिर्ची का। खाली हरी मिर्ची से ही पूरा पकाएंगे। पूरा प्रोसेस हरी मिर्ची के ऊपर ही है और नमक के ऊपर। उससे ही अच्छा बन के तैयार होगा अपना सब्जी अपना साग। अभी देखिए ये भी फ्राई हो चुका है। और देखिए मैंने बड़ा चम्मच इतना मक्की का आटा ले लिया है। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच और ये 1/2 चम्मच ताकि सब्जी में अच्छा बाइनिंग आएगा। इसको भी थोड़ा रोस्ट करेंगे। थोड़ा फ्राई कर देंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद अपना सरसों और बथुए का जो पेस्ट बनाया था हमने इसमें मिला देंगे। देखिए दोस्तों आटा भी थोड़ा बहुत फ्राई हो चुका है सीख चुका है। अभी इसमें और बथुए का पेस्ट डाल देंगे। इसमें थोड़ा मैंने पानी मिला दिया है जो कुकर में थोड़ा बचा था सब्जी। देखिए दोस्तों सब्जी में अच्छा बाइनिंग हो चुका है। देखिए अच्छा टेक्सचर हो चुका है सब्जी का। अब एक तड़का पैन ले लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देंगे। गर्म हो चुका है। उसमें 3 से 4 लाल मिर्च टुकड़े करके डाल देंगे। अच्छा फ्लेवर आएगा अपना साग का। तड़का रेडी हो चुका है। अभी ये साग के ऊपर मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। और सब्जी भी अपनी पूरी बनके रेडी हो चुकी है। उसको ढक्कन लगा के रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि जो फ्लेवर है तड़के का वो बरकरार रहे। देखिए दोस्तों सरसों और बथुआ का साग बनकर रेडी हो चुका है। और मैंने ये मक्के के आटे की रोटी भी बना ली है। बहुत ही मस्त रोटी है। बहुत ही सॉफ्ट रोटी है और खाने में बहुत ही टेस्टी रहती हैं। और मैंने तड़का लगाकर और ज़्यादा जान डाल दी साग में। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कितनी
अच्छी रेसिपी है और कितनी जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मस्त है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये मक्के और सरसों की रोटी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।